उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। जान बचाने के लिए लोग जंगलों में रहने को मजबूर हैं। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। आराकोट, माकुड़ी और टिकोची में बड़ा नुकसान हुआ है। आराकोट में बादल फटने से एक घर पानी के सैलाब में बह गया। घर में मौजूद दो लोगों के भी पानी में बहने की खबर है। तीनों गांव हिमाचल की सीमा से लगे हुए हैं। इन तीनों गांव को जोड़ने वाली सड़क भी बादल फटने से बह गई है। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे टिकोची बाजार में भी बारिश ने तबाही मचाई। टिकोची में स्कूल समेत कई भवन मलबे में दब गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है, वहीं 5 पुल बह गए हैं। माकुड़ी और दिगोली नाम की जगहों पर तेज बारिश के कारण कुछ लोगों के फंसे होने और कुछ मकानों की क्षति होने या रोड को नुकसान होने की सूचना अभी हमें मिली है, और उसी क्रम में हमारी तरफ से शिमला डीएम साहब से और देहरादून डीएम साहब से बात की गई, और वहां से भी तत्काल सहायता और जो हमारी टीम से वो मूव की गई है। बड़कोट से हमारी एसडीआरएफ टीम मूव की जा चुकी है, रेड क्रॉस की टीम भी हमारी तरफ से मूव की जा चुकी है, साथ ही हम लोगों ने अभी एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम्स भी भेजी जा रही है। हालांकि अब तक इस आपदा में कितना नुकसान हुआ है इसका फिलहाल पता नहीं चल सका। बाढ़ के हालात के कारण तमाम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इलाके में एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगाई गई हैं। R9 TV के लिए उत्तराखंड के बड़कोट से प्रतीक की रिपोर्ट।